मामला टफ था, मतलब फुटबॉल का तो टफ ही रहता है, और वहाँ पे 5 टीमें थी, हमें उनके साथ खेलना था, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते और लीग जीत गए। 15-16 नेशनल खेल चुकी हूँ, इंडिया टीम के भी ट्रायल दिए थे मैंने बहुत पहले अहमदाबाद में, फिर ऐसे ही धीरे धीरे चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करना, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलती हूँ। मेरा सपना तो देखो यही है कि मैं इंडिया का है ना, अपने भारत का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ाऊँ इंडिया को, बस यही सपना है मेरा कि मैं खेलने के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, बस मुझे ये कि मैं खेलने के दम पे ही है ना आगे बढ़ूँ, अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ, उनको सपोर्ट करूँ। गोवा दे विच हुण इंडियन वूमेन लीग होण जा रहा, कदों होण जा रहा, कदों वो मुकाबला किहो जिहा है? का कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, क्योंकि इंडिया के सब प्लेयर्स, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। किसी ने आके पूछे नहीं सर, जब तक गोल्ड मेडल मिल रहा है जब तक तो ठीक है सर, अभी भी जाके इसने 8 गोल्ड मारे, बेंगलोर में 8 गोल्ड मारे ना, और गोल्ड मेडल लेके आए, जब तक तो सर मिल रहा है जब तक तो ठीक है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। फुटबॉल चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा घट गई, कुड़ियाँ बहुत घट खेड़ दी, की कारण है कि इस पासे कैरियर घट है या सपोर्ट नहीं करता कोई खेड विभाग चंडीगढ़ का? मुझे तो यही लगता है कि सपोर्ट नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत खेला है मतलब है ना, और मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही, मुझे फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है कि जब तक मैं है ना इंडिया लेवल तक ना जाऊँ या कुछ भी, मतलब चंडीगढ़ का नाम चमका रहे हो, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने या चंडीगढ़ का जो खेड विभाग आ उन्होंने नहीं कुछ हेल्प की मदद की कदे? नहीं, जब मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के लिए खेलती हूँ है ना, 1 महीने का कैंप होता है तो वो टाइट दे देते हैं, फिर मुड़ के नहीं पूछते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी सर बच्चे भी संभालने हैं, सबको देखना है, इसका भी देखना है, सबको ही देखना है सर, बड़ा मुश्किल है। की प्रैक्टिस मैं रात को पार्क में यहीं इधर ही पार्क में जाके करती हूँ। भारत दे विच तियां हर खेत्र दे विच मल्ला मार रही ने, चाहे वह पायलट बनना हो, जज बनना हो, फिर पुलिस अफसर बनना हो। साडे नाल चंडीगढ़ की ती आ अंजली राजपूत, जो कि फुटबाल के खेत्र दे विच बुलंदियां छू रहे ने, हुणे हुणे एक गोल्ड मैडल जित के आए ने। गोवा दे विच भी इंडियन वूमेन लीग होण जा रहा, उत्थे भी मुकाबले दे विच जाणगे, उस तो बाद फिर भारत की टीम के लिए अगे चोण होगी। गलबात करदे आ किस तरह का तजर्बा रहा, किन्ने साल तो फुटबॉल खेडते आ रहे ने, किन्ना औखा सफर रहा, किहड़े-किहड़े हालातों के गुजरे ने। अंजली, सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां, तुसीं बंगलौर तो खेड के आए, उत्थे किहड़ा मैडल जितया? उधर हमने लीग में टॉप किया है तो गोल्ड मेडल था, और उधर मैं हाईएस्ट स्कोरर भी रही, सबसे ज़्यादा गोल मैंने ही किए। केड़े क्लब दे वल्लों तुसी फिर खेल? मैं अभी कोडागो एफसी की तरफ से खेल के आई हूँ। किन्ने गोल उत्थे फिर तुसी ने कीते? मैंने वहाँ पे 5 मैचेस में 8 गोल किए। केड़ी टीम दे नाल मुकाबला सी, मुकाबला किहो जिहा सी, किन्ना टफ सी? मुकाबला टफ था, मतलब फुटबॉल का तो टफ ही रहता है, और वहाँ पे 5 टीमें थी, हमें उनके साथ खेलना था, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते और लीग जीत गए। इस तो अलावा बाकी जिहड़े प्लेयर ने तुहाडे उस मैच दे विच खेडे, तुहाडे नाल तुहाडे साथी प्लेयर सी, किहड़े-किहड़े इलाके दे सी? ओह भी इत्थे इधरले चंडीगढ़ वाले पासे सी जां पंजाब जां हरियाणा? नहीं नहीं, वो बैंगलोर कर्नाटका की तरफ से ही थे, सिर्फ मैं ही चंडीगढ़ की तरफ से खेलने जाती हूं वहां पे। तुसीं चंडीगढ़ वल्लों इकलौते खेडदे हो चंडीगढ़ दे? हां जी। कदों तो जिहड़ा फुटबॉल वाला सफर कदों तो आरंभ कीता, किन्ना क औखा समां लग्गिया, किहड़ी क्लास तो लगे, किन्नी क उमर सी जदों फुटबॉल वाले कैरियर दे विच पैर धरे? मैं 4th क्लास में थी, 4th क्लास में थी, 6th क्लास से मैं नेशनल खेलना स्टार्ट होगी, मैंने 15-16 नेशनल खेल चुकी हूँ, इंडिया टीम के भी ट्रायल दिए थे मैंने बहुत पहले अहमदाबाद में, फिर ऐसे ही धीरे धीरे चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करना, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलती हूँ, तो बस मुश्किलें तो बहुत आई थी है ना, अपना ही करना पड़ता है, डाइट अपनी देखनी पड़ती है, और फिर बीच में मेरे नी पे सर्जरी हो गई, तो वो भी सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। चंडीगढ़ वालों कितनी बार खेले हुण तक? मैं 15-16 बारी खेल चुकी हूँ, और यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अभी भी खेल रही हूँ। यूनिवर्सिटी दे वल्लों खेलने गए सी उत्थे? नहीं नहीं, ये अलग से लीग होती है। अलग से? हाँ जी। जिस तरह तुसीं कहा भी डाइट भी अपने खर्चे ते ही लैनी पैंदी आ, काफ़ी खर्चा आ जांदा, कोई मदद नहीं करदी सरकार जां कोई प्रशासन, कोई चंडीगढ़ वल्लों कोई?
नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब चलो है ना, हम प्लेयर बहुत कुछ करते खेलने के लिए, तो बस मुझे यही है कि है ना अब बहुत खेल लिया, बहुत चंडीगढ़ का नाम कर दिया कि अब हमें एक जॉब दी जाए, मतलब एक सिर्फ यही रह गया। खेलना तो देखो अभी भी बंद नहीं कर सकती मैं, चाहे है ना कोई सपोर्ट करे या ना करे, तो बस यही है कि एक जॉब। किन्ने साल की उम्र फिर फुटबॉल के कैरियर के पैर धरिया सी, तो उस तो बाद फिर हुण तक सफर लगातार चल? मैं 13-14 साल की थी तब से अब तक खेलती आ रही। हाँ जी। हुण फिर किन्नी पढ़ाई कर चुके हो? अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है सोशियोलॉजी में, और अब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर रही हूँ, एक और मास्टर्स कर रही हूँ। हाँ जी। ते अगला सुपना की है, हुण कित्थे तक जाना है? मन दे विच सुपना हुंदा वी हाँ साडा इह गोल आ, साडी मंजिल आ, इह पौणी आ, चाहे जिन्नी मर्जी मेहनत करनी पवे। मेरा सपना तो देखो यही है कि मैं इंडिया का है ना, अपने भारत का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ाऊँ इंडिया को। बस यही सपना है मेरा कि मैं खेलने के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, बस मुझे ये है कि मैं खेलने के दम पे ही है ना आगे बढ़ूँ, अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ और उनको सपोर्ट करूँ। कितना समय फिर रोज़ समय फिर प्रैक्टिस क्योंकि करनी पैंती है खिडारियों, कई कई घंटे लाने पैदे ने, कितना समय फिर ग्राउंड के फुटबॉल के बिताने दिन? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, फिर उसके बीच में पढ़ाई, और मतलब बहुत चीज़ें होती है। अभी मैं बैंगलोर जाके 3-3 दिन अकेले ट्रेन में रहना, सफ़र करना, फिर अकेले आना जाना, बहुत चीज़ें होती है। अब वो चीज़ें दिखती नहीं है, बस है ना ये होता है कि बस मेडल जीत लिया, सब हो गया, पर उसके पीछे की कहानी किसी को? मेडल जरूर देखते हैं पर उसके पीछे की मेहनत नहीं कोई देखता? नहीं, कोई नहीं देखता, ना ही कोई सपोर्ट करता है उस टाइम पर, उस टाइम पर कोई नहीं पूछता। जिहड़ा गोवा दे विच हुण इंडियन वूमेन लीग होण जा रहा, कदों होण जा रहा, कदों वो मुकाबला किहो जिहा रहेगा? ये 22 को है पहला मैच वहाँ पे, और इसका कंपटीशन बहुत टफ होता है क्योंकि इंडिया के सब प्लेयर्स जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें मुश्किल होता है बस ये है कि अगर अच्छे से खेलोगे तो फिर। कितनी टीमों के साथ मुकाबला होगा दे विच? इसमें काफ़ी टीम्स आती है, हर जगह हर स्टेट की टीम आएगी वहाँ पे, तो हाँ सबकी अलग स्टेट्स की अलग क्लब्स अलग बहुत टीम्स आती है। जिक्र परमात्मा तुहानू तरक्की देंदे ने इस लीग दे विच, तुसी नंबर 1 हुंदे हो, तां फिर अगला फिर कित्थे, फिर अगला की रहेगा कैरियर? फिर तुसी भारतीय टीम दे लई फिर खेडोगे, उहदे विच सिलेक्शन होएगी फिर उस तो बाद? हाँ जी, फुटबॉल में ये होता है कि मतलब टीम गेम है ना एक, तो अब टीम में अच्छा करोगे तो ही आगे दिखोगे, अगर टीम के साथ नॉर्मल रह के खेलोगे तो इंडिया टीम के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। तो बस यही होता है कि वहाँ टीम में जा रहे हो तो अगर मैं अच्छा खेलूँगी तो मुझे ज़रूर चांस मिलेगा। जिते हूँ खेडने गए थे, जिते हूँ तुम गोल्ड मैडल लेके आए हो, 8 तुम गोल भी किए, किनिया टीमों के नाल मुकाबला सी, कितों कितों आई सी टीम, किन्ना टफ रहा फिर? वो 6 टीमें थी हमारी, और वो बैंगलोर की ही टीम होती है, कर्नाटक और बैंगलोर साउथ की साइड की सारी, तो वहाँ पे तो साउथ में तो फुटबॉल का कल्चर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे अगर नॉर्थ साइड देखा जाए ना तो कंपटीशन टफ है साउथ में, तो हाँ वहाँ पे अच्छा कंपटीशन था, मज़ा आया खेल के। जिमें डाइट का खर्चा तो खुद आप चुकना पैंदा, जो बाहर जाने हो कितने भी खेडन जाने हो, जो तरह बंगलौर गए हूँ अगे गोवा जाना, फिर उसका खर्चा कौन करता, आप ही करना पैंदा खुद जा फिर? जैसे अब मैं बैंगलोर गई तो वो क्लब वालों ने है ना खर्चा किया खाने पीने का आने जाने का, पर ये होता है ना कि बस कि अब चलो है ना जब तक वो 20 दिन का कैंप होता है 30 दिन का तब तक ही वो करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है ना। डाइट फिर कितने रोज़ खर्चा, कितने की डाइट रोज़ हो जाती है तकरीबन? बहुत खर्चा तो हो जाता है हो जाता है 500-1000 पे चला जाता है, मतलब हाँ रोज़ की। चंडीगढ़ के वालों तुम खेड रहे हो, चंडीगढ़ का नाम चमका रहे हो, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने या चंडीगढ़ का जिहड़ा खेड विभाग आ उन्होंने नहीं कुछ हेल्प की, मदद की कदे? नहीं, जब मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के लिए खेलती हूँ है ना, 1 महीने का कैंप होता है तो वो डाइट दे देते हैं, फिर मुड़ के नहीं पूछते हैं कि मतलब यही चीज़ है बस कि जब तक मतलब कैंप चल रहा है तब तक ठीक है, बट उससे पहले जो प्रैक्टिस होती है सब उसका नहीं कुछ भी। कितने साल हो गए फिर फुटबॉल खेलते हो? मुझे बहुत साल हो गए हैं, चौथी तो लागे सी ते केहो जिहा सफर रहा, घर के हालात किस तरह के, फिर फैमिली की किवें सपोर्ट रही है, घर च कौन कौन? फैमिली की सपोर्ट तो फैमिली ने तो सपोर्ट मुझे करी है पूरी, पर 2018 में न्यू ईयर वाले दिन पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से तो बहुत ही मुश्किलें आई है ना, मम्मी अकेले करने वाले, हम 4 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ, और मेरे से खेलना भी नहीं छूटता है कि मैं है ना सिर्फ जॉब में चली जाऊँ, मुझे बस ये है कि खेलने के उस पर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं घर वालों के लिए कुछ कर सकूँ। फिर जानी दो चिंता रहती है, जिवें हुण मान लो नौकरी मिल जाती है फिर घर की चिंता खत्म हो जानी है, फिर सिर्फ गेम वाले पासे फोकस रहेगा? नहीं, कई बार इंज भी हुंदा जिवें हुण तुसीं गेम खेडदे हो
फुटबॉल का मैच खेडन जाने हो जिवें हुण जामू खेडन अगे फिर ध्यान इस वाले पासे भी रहिंदा वी घर दा चिंता रहिंदी होणी है बहुत रहती है घर का मुझे बहुत होता है पीछे से क्योंकि भाई बहन भी छोटे हैं ना तो मम्मी कितना ही करेंगे कितना कब से वो अकेले कर रहे हैं तो बस यही होता है कि जल्दी से मैं और अच्छा तभी इंस्पिरेशन मिलती है कि और अच्छा खेल के मैं आगे बढ़ूं ताकि नाम हो मेरा अच्छी जॉब मिल जाए अच्छा खेलूं आगे इंडिया के लिए अंजलि राजपूत सी जिन्होंने अपने सफ़र की गलबात साढ़े नाल सांझी कीती आ उन्हां दी माता भी साढ़े नाल ने बेटी चंडीगढ़ का नाम रोशन कर रही है पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है किस तरह देख लो हमें बहुत खुशी होती है सर इस बात की हमारी बेटी पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है और हमारा खुद का रोशन कर रही है ना हमें बहुत खुशी होती है पर तुसी कहा भी है ना फादर साहब एक्सपायर हो गए सी पर अजे हालातों के बेटी पढ़ाना भी होर भी बच्चे ने उन्होंने भी देखरेख करनी है ना तो अजे हालातों के फिर औखा तो बहुत होंगे होना सफर बहुत होता है सर बहुत 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 ज़्यादा होता है पर करना तो है ही है ना सर कोई सपोर्ट नहीं कोई कुछ नहीं फिर भी सर बच्चे भी संभालने हैं सबको देखना है इसका भी देखना है सबको ही देखना है सर बड़ा मुश्किल है पर हुण बेटी तुहाडे नाल खड़ी आ इन्होंने भी मंग की है कि नौकरी जेकर सानू मिलती है ना चंडीगढ़ वालों कई बार खेड चुके हो पंजाब चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी वालों कई बार खेड चुके हो कई मैडल जिहड़े जित चुके हो चंडीगढ़ के नाम कर चुके हैं पर हजे तक कोई मदद नहीं हुई डाइट भी आपके पैसे की लैनी पैंदी कोई मदद नहीं हुई सर मेरे को यही गुजारिश है पूरे भारत और सबसे कि मेरी बेटी को एक जॉब मिल जाए जिससे हमारा परिवार भी सही रहने लग जाएगा हमें सरकार से भी बहुत हेल्प मिल जाएगी और मैं अपने बच्चों का ये इसकी वजह से हमारे बच्चों का परिवार का भविष्य अच्छा हो जाएगा चंडीगढ़ के किसी अधिकारी नाल नहीं गलबात हुई क्योंकि चंडीगढ़ वालों इकलौती तुहाडी धी खेडदी है इकलौती धी चंडीगढ़ के वालों कदे अधिकारियों के नाल नहीं गलबात हुई जां मिले नहीं खेड विभाग में जाके भी भाई साडी धी दी विसार लो डाइट दी खर्चा चक लो सानू थोड़ा जिहा हौसला हो जाऊगा नहीं सर कभी नहीं हुई है कभी नहीं हुई है किसी ने आके पूछे नहीं सर जब तक गोल्ड मेडल मिल रहा है जब तक तो ठीक है सर अभी भी जाके इसने 8 गोल्ड मारे बेंगलोर में 8 गोल्ड मारे ना और गोल्ड मेडल लेके आए जब तक तो सर मिल रहा है जब तक तो ठीक है उसके बाद कोई नहीं पूछता है हाँ जी सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋਚ ਕਿ ਮੇਰੀ 22 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀਂ ਪੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਹੈ ਉਨ ਵਹੀਂ ਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਤੋ ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਖੇਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਾਲੀ ਸਰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਐਸੇ ਖੇਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ जिस तरह तुम कह रहे हो कि फुटबॉल चंडीगढ़ के बहुत ज़्यादा घट गई कुड़ियाँ बहुत घट खेड दी की कारण है कि इस पास कैरियर घट है या सपोर्ट नहीं करता कोई खेड विभाग चंडीगढ़ का मुझे तो यही लगता है कि सपोर्ट नहीं क्योंकि इस सिचुएशन में अभी मैं ही हूँ क्योंकि मैंने बहुत खेला है मतलब है ना और मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही मुझे फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है कि जब तक मैं है ना इंडिया लेवल तक ना जाऊँ या कुछ भी मतलब क्या मतलब है इस खेलने का जब जॉब ही नहीं हमें मिल पा रही है और अब अगर गवर्नमेंट जॉब की देखा जाए ना तो उसमें होता है ना पढ़ो दोबारा से सारी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करो अब हम मैं इतना पढ़ने के बाद खेलूंगी कि फिर से मैं दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करके जॉब लूँ नहीं हो पाएगा ना इतना फिर चंडीगढ़ प्रशासन वालों कदे कोई भी माली मदद कोई भी सहायता नहीं दी गई कदे भी नहीं आज तक कदे भी नहीं। कोई एक पैसे दी मदद नहीं, नहीं। अपने खर्चे ते ही हुंदा किन्नी बार नेशनल खेल चुके हो किन्नी बार नेशनल दे विचों मेडल जीत के 15-16 बारी नेशनल खेल चुकी हूँ मैं बट वही चंडीगढ़ में फुटबॉल का है नहीं ना इतना तो मेडल लाना चंडीगढ़ के लिए बहुत मतलब मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को मतलब ज़्यादा बच्चों लड़कों को भी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो किया जाता है कि पढ़ो बस यही है कि यहाँ पे फुटबॉल इसीलिए कम हो रही है एक सपोर्ट और थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਲਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲਤੇ ਥੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਕੇਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਝੇ ਅਕੇਲੇ ਜਾਣੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਕੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨੋਂ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਏ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੇ ਖੇਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਵਹੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇਲਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ है तो पर वही स्कूलों के अंडर है वहाँ आना जाना हाँ वो दिक्कत है वो दिक्कत है स्कूल वाले अंडर वो फिर अंदर अलाउड नहीं खुद की प्रैक्टिस मैं रात को पार्क में यही इधर ही पार्क में जाके करती हूँ
ਫਰਕ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨੇੜੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਨ ਅੰਜਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 8 ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।